बिहार के बाद अब यूपी में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत गर्म हो गई है। इस मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी गंगापार अध्यक्ष सुरेश यादव की अगुवाई में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। बुधवार को सिविल लाइन स्थित धरना स्थल पर बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेसियों ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति संबोधित पत्र अपर जिलाधिकारी को सौंपा। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी और विवेकानंद पाठक ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए जातिवार जनगणना होनी चाहिए। ये सिर्फ हमारी ही नहीं सच्चे सामाजिक लोकतंत्र की भी मांग है। कहा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनते ही जातीय जनगणना कराई जाएगी। कहा कि इसको लेकर भाजपा को आपत्ति क्यों है। पार्टी के जिला शहर कमेटी के प्रवक्ता हसीब अहमद ने कहा कि भाजपा पिछड़े समाज के हक अधिकार को समाप्त करने की साजिश में है। कहा कि पेड़ मवेशियों तक की गिनती की जाती है, वही इंसानों में विभिन्न प्रकार के वर्ण है जो किसी से भी छिपा नहीं। इसकी गिनती कराने में केंद्र सरकार को क्या आपत्ति हो रही है। राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में कांग्रेसियों ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार देश में जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। उनकी इस मांग को कांग्रेस ने पूरी मजबूती के साथ उठाने की कार्य योजना बनाई है। देखिए, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वेंटिलेटर पर है, जिसका पांव अब सत्ता के एक्सीलेटर पर है। भारतीय जनता पार्टी की जाति जाति हुई सरकार इस समय जातियों को खंडित करने का काम कर रही है। आखिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार क्यों छुपाना चाहती है। इनके पास पेड़ पक्षी जीव जंतु का आंकड़ा है, मगर इनके पास जातियों का आंकड़ा नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ यही मांग कर रही है कि प्रदेश के अंदर बिहार सरकार की तर्ज पर जातियों की गणना करानी चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी को करानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के पास विद्यालय में जो स्टूल टेबल कुर्सियां है उसका आंकड़ा है, मगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के पास, सत्ता में बैठे हुए नेताओं के पास जातियों का आंकड़ा नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी जाति का नाम सुनते ही और जाति जनगणना का नाम सुनते ही इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। एक तो भीषण गर्मी में केशव प्रसाद मौर्य जी को आज पब्लिक ने कुर्सी देने के बजाय स्टूल देना शुरू कर दिया। अब केशव प्रसाद मौर्य जी से जनता वो स्टूल भी छीनने जा रही है। इसलिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कान खोल करके सुन ले कि जाति जनगणना की लड़ाई कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेगी। और सत्ता में कांग्रेस पार्टी आते ही पहला काम देश के अंदर जाति जनगणना को लागू कराना है। इसी को लेकर के आज हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, ताकि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जाति जनगणना पूरी तरीके से लागू किया जा सके। आज जो मुद्दा था हमारे यहाँ, इस सामान्य रूप से पिछड़ी शोषित वंचित तबके के जो लोग हैं उनकी जाति जनगणना कराने के लिए हम लोग मांग किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जातिगत जनगणना कराने का तत्काल फैसला लें और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गेवार जी के आदेश से हम लोगों ने बताया। नाम बताइए।